आर्टिकल 95 के तहत वोट डालना रुकन कौम असेंबली का इनफरादी हक है, सियासी जमात का नहीं। किसी रुकन को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार ने सदारती रेफरेंस का तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जवाब के मुताबिक आर्टिकल 95 के तहत डाला गया हर वोट गिनती में शुमार होता है। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक अदम एतमाद के रोज तसादम रोकने से मुतालिक समाअत भी होगी। सियासी जमातें जवाब जमा कराएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तीफा देने का ऐलान। वोटिंग से एक दिन पहले अपोजिशन को सरप्राइज देने का दावा। कहा, न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया। शहबाज शरीफ जैसे मुजरिम के साथ किसी सूरत नहीं बैठ सकता। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, हारने वाला नहीं। अपोजिशन जो मर्जी कर ले, उन्हें किसी सूरत NRO नहीं मिलेगा। फौज के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। चौधरी ने साहब से मुलाकात की भी तस्दीक कर दी। अंपायर की उंगली के बजाय वोट के अंगूठे से इसका मुकाबला करेंगे। गेट नंबर 4 नहीं खटखटाऊंगा। इदारों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बिलावल भुट्टो का मालाकंड डिवीजन में जलसे से खिताब। इलेक्शन कमीशन का बिलावल के खिताब का नोटिस 25 मार्च को तलब। वज़ीर-ए-आज़म गुस्से में आकर जलसे में इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी मंजूर रसान की पेशगोई। कहा, जाते जाते इमरान खान सिंध में गवर्नर राज की कोशिश करें। मुल्की सियासत के लिए 2-3 दिन बहुत अहम और मुश्किल है। इल्जामात की सियासत पर यकीन नहीं रखते। बेबुनियाद इल्जामात का जवाब देना वक्त का ज़िया समझता हूँ। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान गुज़ार का बयान। कहा, प्रोपेगेंडा करने वालों का एजेंडा सियासी अनार्की फैलाना है। वज़ीर आज़म का सिपाही हूँ, आवाम की खिदमत करता रहूंगा। नून लीग के महंगाई मार्च का शेड्यूल तब्दील। महंगाई मार्च 26 को लाहौर से रवाना होकर 28 मार्च को पिंडी पहुंचेगा। JUI का शेड्यूल भी जारी। फजलुर रहमान की क्यादत में काफिला 26 मार्च को डेरा इस्माइल खान से रवाना होगा। छांगा मांगा और नूरपुर स्टॉप के करीब 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा। 3 अफराद जाँ भाग बच्चों और खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी। जाँ भाग अफराद की शनाख्त मुश्तबा इरफान और गुमा के नाम से कर ली गई। मुल्क में मुसलसल 2 दिनों में कोरोना से किसी मरीज का इंतकाल नहीं हुआ। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 210 नए मरीज सामने आए। मजबूत केसेस की शराह 0.69% रही।